बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज फर्स्ट ऑफ ऑल जी, वापस आ गया हूँ मैं अपने टूर से और बहुत सी वीडियो शेयर करनी है, बहुत सी गुड न्यूज़ एंड ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करनी है आप लोगों के साथ। आज एक सक्सेस स्टोरी आपके सामने लेके आए हैं, मोहम्मद जाकिर हुसैन साहब। कल रात को मेरे स्टाफ ने मुझे कोई 10 बजे मैसेज किया मुझे कि जी सर, कॉन्ग्रेट्स, हमारा छठा वीज़ा, वैसे टोटल 9 हो गए, छठा कंजेकेटिव वीज़ा जो हमारा अप्रूव हुआ है, उसकी डिटेल मैं जी सी अकाउंट खोल के दिखाऊंगा आपको। आज जाकिर साहब पासपोर्ट जमा करा के अपना, ये उसकी रिसिप्ट है पासपोर्ट जमा करवाने की, वो खुद भी बताएंगे इंशाल्लाह आप लोगों को। ये उनका अप्रूवल लेटर है जो कि मैं हमेशा आप लोगों को जी सी अकाउंट में दिखाऊंगा कि कैसे इनका अप्रूवल लेटर निकलता है। मेरी फिर गुजारिश ये होगी कि हसरत ना कीजिएगा और सिर्फ दुआ करें कि अल्लाह पाक आपको भी ऐसी कामयाब है जिनको जिनको जिस तरह इनको कामयाबी था फरमाइए। हम डिस्कस करते हैं जाकिर साहब, फतेह जी मुबारक हो, बहुत ज़्यादा आपको। मुबारक। कैसे हैं आप? तो भी ठीक है, आप अलहमदुल्ला से ठीक ठाक है। सर कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं सवाबी से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, केपीके से। माशाल्लाह। और हम नायल को कब से जानते हैं, कब आपने हमें अप्रोच किया? नायल तो मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे उसका नायल का नंबर, वो नायल मुझे सही उसी वक्त नाम सही नहीं आता ना, नायल कभी कभी नेल कहता था। तो फिर मैंने उसने व्हाट्सएप पे फेसबुक पर देखा, तो फिर मैं आया, मैंने इधर 2-3 दफा आया। मैं कभी कहता ये काम करता हूँ नहीं करता, फिर लेकिन दिल मुतमईन होता नहीं, ये ही जगह सही है। फिर बाहर घूमता, फिर आता, फिर कहता है ये जगह से। फिर मैं मुतमईन किस बात पर हुआ? फिर इस पे हुआ कि मैंने आपके सामने वो पेपर रखे, तो मैंने वो टैक्स का जो टैक्स पेपर बनाया था वो रखे बहुत कम बनाया था, तो आपने बिल्कुल गुस्से में बताया ये ठीक नहीं है, ये नहीं। मैंने कहा यार ये मेरा तावान करते हैं, वैसे खसारे में डालते हैं, अभी मैं 1 लाख रुपए खसारा करूँ? तो फिर बाहर बाहर घूमा, फिर मैंने कहा कि इसके, फिर मैंने सोचा कि इसके लिए तो ये तो इसके लिए कोई मान ही नहीं रखता। वो कहते आओ मैं अप्लाई करता जी, हूँ, ऐसे ही लेकिन आखिर उसने आपने वो पासपोर्ट को भाई भाई सब कुछ मानता हूँ लेकिन ये टैक्स नहीं मानता हूँ, मैं अप्लाई नहीं करूँ। मैंने कहा यार इसका तो इसमें पैदा है कि भाई पैसे दे दो अप्लाई करता हूँ, जैसे है। लेकिन वो इनकार करता है, तो इसमें मेरा मेरा खैर है। फिर मैं वापस आया, फिर आया मैंने फिर वो डॉक्यूमेंट सही किया और आपको हवाला कर अच्छा, मैं दिया। एक क्लियर चीज क्लियर कर दूं गाइस यहाँ पे कि जब मेरे पास आए थे फर्स्ट टाइम, उनका मतलब कहने का ये, जब मेरे पास फर्स्ट टाइम आए थे तो डॉक्यूमेंट लेके आए थे मेरे पास, तो कुछ डॉक्यूमेंट मुझे पसंद नहीं आए। मैं कि जी मुझे ये डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, वो कह रहे थे। मैंने गुस्सा किया इस बात के ऊपर, तो मैंने डेफिनेटली जब कुछ चीज समझ में नहीं है कि हम तो नहीं लेंगे। वो जिस तरह कह रहे हैं कि हमें फीस की लालच होती तो वो चम नहीं लेता मैंने इनसे। की पीस की बात नहीं की थी, मैंने बिल्कुल बात ही नहीं की, आप जो आप हमें सुन रहे हैं कि हमने डॉक्यूमेंट की बात की। भाई डॉक्यूमेंट सही होंगे, मैं मुतमईन होंगे, मैं लूंगा सर ऐसे। हाँ ये आपने ये नहीं लेता हूँ, मुझे ये डॉक्यूमेंट इतना इतना करो, ये डॉक्यूमेंट बनाओ तो फिर आ जाओ। तो इसका मैंने मतलब ये कि हमारा इंटरेस्ट है इसके अंदर गाइस, कि अगर चीज ठीक होगी हम उससे लेंगे, हम सेट भी करेंगे। मगर सेट नहीं होगी, हम आपको बोलेंगे जाए सेट करा के लाए। तो सर जाकिर साहब गए थे डॉक्यूमेंट लेकर, सेट करवाया, उसके बाद फिर आप आए हमारे पास कब थे, किस फिर मंथ में आए थे? ये हम मार्च में आए थे, मार्च में आए थे आपने, फिर केस फरवरी में आया था, तो फिर आपके मिला तो आपने कागजात मेरे एक्सेप्ट नहीं किया। आपने कहा मैं इस तरह नहीं कर सकता, मुझे इस पर यकीन नहीं है, इस तरह ये करो तो फिर आओ, मैं नहीं करता। मैंने कहा यार ये तो नहीं करता है तो मेरा खसारा हो जाएगा, कि ये मेरा खसारा देखता है ना। फिर मैंने कहा कि इसके इसके लिए क्या खसारा है, खसारा तो फिर मैंने आपका दोबारा इस तरह किया कि बस मैंने इस दोबारा बना तरह के लेके दोबारा आया। बना के लिया आपको। आपने कहा अभी ठीक अब है, ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है, मेरा तो तावान हो गया लेकिन चलो काम फायदा तो बोले कम से कम लाख आपका। लाख रुपए अभी तक तो वो लाख पर मैं परेशान था। जब ये आया तो इस दोस्त को मैंने पहले कहा तो कि आप अभी सब भूल गया, सब कुछ, अब ये दिखाएं लोग आपके हाथों से कि आप पासपोर्ट जमा करा के आए हैं, खुद ये बताएं मैंने जी। पासपोर्ट जमा किया, आप अप्रूवल लेटर कब आया, ये लेटर कब आया आपको? ये लेटर रात को कल परसों रात को आया, तो मैं कॉल रहा था तो मैं हाँ नहीं कॉल देखिए बताए सकता, लोग। अच्छा मैं नहीं कॉल सकता था क्योंकि मुझसे लाख हो गया। तो फिर मैंने वो विकास सिताब साहब जो आपका असिस्टेंट है ना, विकास, उसको मैंने कॉल किया कि वो रात था, वो बेचारा घर में था, उसने फोन अटेंड किया, उसने कहा कि मैं करता हूँ। तो फिर मुझे कहा ये तो आपने लाख किया या अभी क्या कर रहे, अभी सबर करो 24 घंटे के लिए लाख, 24 घंटे में बार बार वो बेचारा, वो मुझे कहा आप मुंगिया मत डालो मैं करता हूँ, आप ऊपर मत करें उसको। वो क्यों आप लाख करते हो? फिर वो जब कर दिया तो मुझे ये भी सेंड कर दिया, और फिर मुझे तरीका भी था कि ये जी सीखी है, वो सब कुछ मुझे भेज दिया, ये जी सीखी है इस तरह खोलो खुद देखो, लेकिन इसी तरह करो, मुझे तरीका सिखाया। फिर मैंने उसे कहा कि मैं अभी देखता नहीं हूँ आप देखो, फिर ये लेटर मुझे सेंड कर दिया, तो सेंड कर दिया। फिर उसका मैं सुबह गया तो पासपोर्ट उधर गिरी में जमा किया था, जरी कहाँ, इस्लामाबाद, लाहौर, ठीक इस्लामाबाद में शिक्षाबाद में है ना, ये भी दिखाएं रसीद की, जरी हाँ, तो वो रसीद। उधर जमा कर दिया उस, तो इसका एक कॉपी जमा उसके, क्योंकि उसमें लिखा है कि एक कॉपी उसके साथ और पासपोर्ट
और कुछ भी नहीं। मैंने फिर विकास साहब को फोन किया, क्या क्या चीज जमा करना हो? उसने कहा कुछ भी नहीं जमा करना, सिर्फ ये पेपर का कॉपी ले ले जाओ, ये ऑर्डर जो आया है अप्रूवल लेटर के जिसको कहते हैं ना, और पासपोर्ट ले जाओ। तो जब मैं एक कॉपी जमा कर दिया और पासपोर्ट जमा किया, फिर उन्होंने बदले में ये ले दिया और मुझे कहे कि 7 डेज इंतजार करो, 7 डेज के 4 डेज में आएगा। उसने कहा कि मैं बता रहा हूँ आपको 4 डेज में आएगा। हाँ, तो उसके कहते कि बस आपको इतना आएगा, ईमेल भी आएगा, फोन भी करेगा, और आप इधर से उठाते या घर में पासपोर्ट पहुंचाते। मैंने कहा इधर से उठाते हो, क्योंकि मैं पासपोर्ट हासिल करके समीर साहब को मुबारक दे दूंगा, उसको पासपोर्ट भी दिखाऊंगा। तो फिर घर से आते हुए जैसे आना पड़ेगा, तो जब आना पड़ेगा तो इस पासपोर्ट के लिए भी आएंगे। तो और मुझे विकास साहब ने कहा कि और कुछ पैसे मत दे दो उधर। उसने कहा कि भाई अगर पासपोर्ट घर पर लेते हो तो 5,000 भी दे, ये वगैरह। बस मैंने कुछ भी नहीं दिया, पासपोर्ट जमा किया, ये लेटर जो अप्रूवल लेटर था वो जमा किया, और उसने ये दे दिया। अब मैं वापस आया, इनको मुबारक देने, क्योंकि इन लोगों ने मेरा बहुत खिदमत किया और मैंने उनको इतना तंग किया था कि भाई क्या हुआ किया हुआ। और खासकर विकास साहब को इतना तंग किया था कि रात को वो सोने के वक्त भी उसको मैं फोन कर रहा, कभी वो अस्पताल में बच्चों के साथ था, वो फिर भी बच्चों के साथ मेरे बच्चे बीमार है और मैं बस बेफिक्र हूँ, मैं आपको फिर कॉल करता हूँ। ये मेरे लिए रोजाना डेली बेस पर वो चेक वो जैसे कि चेक करता था और मुझे कहते हैं भाई सबर करो, और पूरी दुनिया के लिए मसला है, लेट है। मैं बहुत तंग हो गया कि ये क्यों लेट है, लेकिन फिर मैंने जब नेट पर देखा तो पूरी दुनिया को वही मसला था, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मसला आज हल हो गया और मेरे सारी थकावट और तावान जो जितना हुआ ना वो उस पर अभी मैं खुश हूँ। अच्छा, कितने साल का पासपोर्ट है आपका? मेरे 10 साल का। 10 साल का, 10 साल का वीजा मिलेगा आप इंशाल्लाह। 10 साल का मेरा। जो आपको सर, जो आपको बातें बताई गई थी हमारे स्टाफ की तरफ से सर, वो उसमें कितनी सच्चाई थी? जो डॉक्यूमेंट लिए, प्रोसेसिंग तरीके का, उसमें कोई मसला पेश आया आपको? नहीं नहीं नहीं, बस मैं तो ये कि ये बस ये मसला था कि आपने कहा कि ये कागजात ठीक नहीं है, भाई मुझे सही कागजात लाओ, मैं गलत पे नहीं कर सकता हूँ। तो मैं वापस चला गया और वो जब सही लाया तो आज वो सही का फायदा मुझे पहुंचा। लेकिन इस आज से पहले तो मैं आपको गुस्सा था कि भाई यार मुझे इतना तकलीफ भी दे दिया, वो बेटा पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन आज मुझे पता है कि वो मुझे तकलीफ जो दिया, मैं वापस तकलीफ आपके फायदे के लिए ना, मेरे फायदे के लिए, आपके फायदे के लिए। नहीं, पैसे तो आपने नहीं मांगे, मुझे दे दो। आपने कहा आप जाओ ये पैसे थोड़ा और जमा करो, इसमें कागज सही करो, मुझे लाओ, ऐसा मत करो, ऐसा नहीं हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। कहीं पे लालच नजर आया आपको? नहीं नहीं, लालच तो इसमें क्या लालच होगा, तो वो मामूली सर्विस चार्ज के अलावा तो कुछ दिया नहीं। आपने को पेमेंट्स के अलावा दी जो हमारी सर्विस चार्ज के अलावा? नहीं नहीं नहीं, 80 लाख भी दिया, 50 लाख भी दिया आपने? नहीं नहीं, आपको नहीं दिया पूरा, मेरे एमबीसी फीस के अलावा मेरे ख्याल में 50-60-70 हजार होगा, सब कुछ 1 लाख तक नहीं बन जाता, एमबीसी फीस में बायोमेट्रिक वाला फीस सब कुछ उसमें था। सर ये जो लोग कहते हैं, मुझे इधर एक आदमी कहते हैं कि कितना दिया था ऑफिस के अंदर हमारे, हाँ अंदर उधर जो आए थे क्लाइंट्स थे, कितने लाख हो गया? मैंने इन लोगों ने मुझसे कुछ नहीं लिया, मैंने कितने 1 लाख दिया, 1 लाख दिया, और मैंने तो और कुछ नहीं थे इसमें, तो एमबीसी फीस सब कुछ इन लोगों ने खुद किया है, मैंने पूरा टेंशन इनको दिया था। आपकी टेंशन हमारी खुशी के बाय सके यार, हम लोग आपको सर्विस दें। और देखिए जो शुरू में हम से क्लाइंट कहते हैं, हम जब बहस करते हैं ना, इसका मतलब हम चाहते हैं कि आपका वीजा अप्रूव हो। अगर हम डॉक्यूमेंट में कुछ डिले कर रहे हैं तो आप भी फायदे के लिए कर रहे हैं। मेरे पैदा था उसमें, ये लोग कुछ लोग ये चीज नहीं समझते। नहीं सर, आपको पता नहीं, आप बाहर कंसल्टेंट के पास जाओ ना, वो कहते ये भी सही दे, फीस जमा करो। वो उससे पहले कहीं पे गए आपके पास? गया था मैंने, वैसे आपके नाम नहीं लेना। नहीं नहीं, वैसे नहीं, मैं नाम नहीं था, लेकिन मैं तब आया इधर की, एक दफा आपके पास आया, फिर पूरा इस्लामाबाद में घूमा, फिर वापस, फिर दूसरी दफा आया तो फिर इस्लामाबाद में घूमा और भी चेक कर दिया। मेरे साथ और भी कुछ लोग थे, वो कहते हैं कि भाई एक 5-10 हजार रुपए का फर्क है, वो 5-10 हजार कम लेता है, एक ज्यादा लेता है ना। फिर तीसरे दफा आया तो मैंने एक दोस्त, ये दोस्त भी मेरे साथ है, मैंने कहा भाई मेरा दिल तो वही इधर, ये इधर मांगता है, इधर भाई अप्लाई इधर करूँ, दिल इधर बस खुश है, क्योंकि मेरा तसल्ली इधर इस जगह पर होता है ना। तो वो कहते हैं यार, तो वो दूसरे दोस्त दे, वो दूसरी जगह में गए, तो वो उसका रिफ्यूज हो गया। अच्छा, वो स्पेन के लिए कहते, वो रिफ्यूज हो गया। भाई साहब ये बताएं कि जब आपको हमने जीसी केस आपके सामने सबमिट हुआ, जब हमने केस रेडी किया, वो सब कुछ हो, वो साहब मुझे एक एक हर्फ के लिए वो भेजता था, ये देता था वो कि भाई ये आपका फार्म है, ये आपका ये चीज है, फिर वीडियो कॉल कर दिया पूरा दिन, पूरा दिन हम मेरा बिल्कुल, फिर आखिर में सर दर्द कर रहा कि ये
वो खान साहब ये क्या कर रहे हो, तुम कर जो कुछ करते हो, क्योंकि पूरा स्टोरी मुझे सुनाते हो। रूल है हमारा यहाँ पे, ऑफिस में रूल है, जो डॉक्यूमेंट बनाओगे एक एक डॉक्यूमेंट क्लाइंट को दिखाएं। ये रूल आज से नहीं है, जब से मैंने कंपनी स्टार्ट की है। आप सामने केस सबमिट करेंगे या वीडियो कॉपी सबमिट करेंगे या ऑफिस आके सबमिट करेंगे, अगर क्लाइंट दोनों तरफ नहीं, ये एक एक हर मुझसे पूछे ये तो अल्लाह पाक की मेहरबानी। और दो दो दफा सुना विकास साहब ने, दो दो तीन तीन दफा मुझे सुनवा लिया कि ये है ये है। मैंने कहा इसका क्या मतलब है, पूरा मैं कंसल्टेंट हो गया। अल्लाह पाक ऐसी सब कामयाबी दा फरमाए। सर ये बताएं, हम बहुत मुतमईन हैं, इंशाल्लाह खुश रखे आप। एंड पे हमें देखने वालों को आप क्या बोलेंगे जो सुन रहे हैं, पश्तो में भी क्या बोलेंगे, उर्दू में क्या बोलेंगे आप, पश्तो में पहले क्या बोलेंगे जो हमारे पश्तो के जिता उदा है मां ये जो तू लो बन कर देते रहो मां ओ खो मन मनिया में ओकरा चेहरा माता सुखदा से मिलो शी शी करा जे दिमाग पे मुतमईन हो ओ चेहरा बने मन धरे जला बरातलम ब्याह वापस ब्याह बरातम ब्याह वापस है पादरी दलमाने पर सखरी फाइनल में पहुंच जा रहे हैं बस ठीक पे जगह से दार चाह तरीका कार माओ का तो नामा तो सही नहीं लगे थे फिर मुझमें इन्नो मुस्सर दल तक मुझमें इन्नो अनु दमा बखियार में दाखल को डेर खुदी और कार्टून के खलक दे मेहनतियां दी और शराफत पर किम दे पकार तरीका बल अगर हम पर पकार पुईगी और पदी कंसल्टेंसी पदी टूल सिस्टम माने पुएगी داسو کنسلٹنٹ اری او سڑے چیر لیسن جوڑ کے مشل دے سر روپے مان ہو راشی او بس دکان کھلاو کی او دے کنسلٹنٹ ما نو ہر سڑے کنسلٹنٹ نے چے جوڑے دے کنسلٹنٹ چیر نو آغا دای جی پخپلا مو لگا دے سر کم سٹاپ تے اغم پر کا بیلنس سٹاپ تے محنت یان دی او بل خبر دای چے دید پیسو شو کیان پورا نے دی جرات تا او بل دام یو درو خبر چے شل لکا دیس لکا 15 لکا 60 لکا 70 لکا دا گپ تے کنا پک چن 1000 پیسو دی اخری زرگونه پیس والی لکونه زرگونه پا یکی بیا بایومیتری کو خواب دا بچی که تخبر زان لگه بس آقا سمسل رانا وقتی زان لگه او دیتا والا که نابل دیو که اومی او محنت دی لگر ایزی پوری شیم اونگا تاسو پی کری گو نو دا زبردست خلق ته او سمیر سیب دیر زبردست سره ره او زو خور سرار پرون بی لگه جنگ می کرده چه بای جان تماته چه اکا غستا صحیح نره او زما کاغذ مو خو ساده مو وختانه ساده خلک مو وای زما کاغذ صحیح دی صحیح وای کا غلط تیر تو صحیح وای پاغه وینه غلط ته صحیح نه د بیا ما صحیح کو چې راوړی و صحیح دی بیا داخل کو ابھی اردو میں بتا رہا ہوں کہ سمیر صاحب جو نا مجھے پہلا تو ہمارا اس بات پر جھگڑا ہوا کہ وہ میرے کاغذ کو صحیح نہیں بول رہا تھا میں نے کہا ہم پٹھان لوگ ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے کاغذ غلط ہے تم صحیح بولو وہ کہتے ہیں نہیں یہ صحیح نہیں صحیح کرو تو میں صحیح بولوں گا تو پھر میں جا کر ایک دو دن میں ادھر بات دور کر کے اوپن کر کے لایا اور پھر اس نے کہا ابھی صحیح ہے انشاءاللہ آپ کا ویزا ہو جائے گا مجھے پورا یقین ہے اور میں کہتا کہ یار کیسا بس وہی ہوا الحمد للہ پھر ابھی پھر ان لوگوں کے ساتھ میں نے بار بار رابطے کیا ہے انہوں نے کہا تھوڑا صبر کرو سارے دنیا کے لیے مسئلہ ہے یہ مسئلہ حل ہو جائے تو پھر انشاءاللہ وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا ابھی سارے رسپانس شروع ہوئے میرے علاوہ بھی بہت لوگوں کا ہوا اور یہ لوگ صحیح کنسلٹنٹ ہے یہ گپلو مپلو والا نہیں ہے کام چور بھی نہیں ہے اور پیسہ چور بھی نہیں ہے مجھے میں نے پورا ان کا تفصیل سے جائزہ لے لیا تین دفعہ میں ادھر آیا ہوں تین دفعہ ایسے گیا ہوں دوسرے لوگوں کے پاس بھی گیا ہوں لیکن مجھے میں مطمئن نہیں ہوا ان کے بیہیویئر سے ان کے وہ بھی مطمئن ان کا اور جو کچھ لوگوں کے یہ طریقہ کار جو تھا وہ طریقہ کار سے بھی مطمئن نہیں ہوا کہ بھائی کیوں کنسلٹنسی کا اپنا ایک اصول ہوتا ہے وہ خود اصول پر نہیں جاتے تھے تو اور بس پیسہ جمع کرنے کے لیے ہر ایک آدمی 30-40 ہزار کا لائسنس بناتا ہے اور دفتر پکڑتا ہے اور آپ کو ایک ہر جگہ بس بندہ پکڑتا ہے آ جاؤ میں آپ کا ویزا اپلائی کرو آپ کا ہوتا ہی نہیں ہوتا ان کا پیسے ہو گئے تو یہ بات بھی ہے اور یہ دوسری بات یہ غلط ہے کہ لوگ 50 لاکھ 60 لاکھ 70 لاکھ لیتے ہیں اور یہ اس پر ویزا لگاتے یہ گپ ہے مجھ سے نہیں لیا ہے یہ گپ ہے مجھ سے बायोमेट्रिक फीस के साथ और एमबीसी के 100 डॉलर सब कुछ के साथ अपने कंसल्टेंसी के साथ सब मेहनत के साथ 1 लाख तक तकरीबन ले लिया मुझसे। भाई साहब मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ, इतनी अच्छी बातें किसी भी क्लाइंट ने आज तक इतनी इंटरव्यू में नहीं बोला। ये मैं जैक आई होप लोग माइंड नहीं करेंगे, इंटरव्यू दिया किसी ने इतनी नहीं बोला, इतना ऐसा बोले तो मैं इनका दिल से मशकूर हूँ जी हमारी सर्विस ली। और मेरी दुआ है कि आने वाले लोग जो है जिन्होंने अप्लाई किया हुआ खौफ हमारे थ्रू हो या किसी के थ्रू, अल्लाह पाक उनको भी ऐसी ही कमी भी अता फरमाए। एंड पे एक बात कहूंगा आप लोगों को, इंशाल्लाह आप देखेंगे आने दिनों में कि नाइल कंसल्टेंट पे अभी तो खैर 3 दिनों में 9 वीजा अप्रूव हो गए हैं, तो पिछले 45-50 पहले अप्रूव हो चुके थे। आने वाले दिनों में कैनेडा मैक्सिमम वीजा पाकिस्तान को देगा और ये जो
अबू जबी से इनका वीजा सेंटर पाकिस्तान इस्लामाबाद शिफ्ट हो रहा है, इसमें एक वीडियो बना रहा हूँ, बट मैंने एक वीडियो बनाई थी शॉर्ट, मैंने एक बात की थी कि आप देखेंगे आने वाले दिनों में कैनेडा विजिट वीजा, वर्क या इमिग्रेशन मैक्सिमम तादाद में पाकिस्तान से अप्रूव करवाएगा इंशाल्लाह। एंड पे आई सब को वंस अगेन शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं एक बात कह चलूँ गाइस, आई सब जो सवाबी में होते हैं हमारा पासपोर्ट जमा करवाया, अब जब पासपोर्ट लेके आएंगे तो दोबारा इंशाल्लाह हमारे पास आएंगे और इससे अच्छी गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। वैसे वैसे ही है, मैंने प्रॉमिस किया जी आप पासपोर्ट लेके आए, यहाँ बैठे हैं चाय पिए, दोबारा वीडियो बनाए और पासपोर्ट दिखाए लोगों को, क्योंकि लोग हमारे माशाल्लाह शकी लोग भी है ना खौसे तो वो उनको प्रूफ देने के लिए मैं पासपोर्ट दिखाएं। मैं दुआ करता हूँ जी आपको अल्लाह पाक सबको कामयाबी का फरमाए। भाई साहब आप जब वापस जाएं कनाडा इंशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको वहां कामयाबी का फरमाए, आपकी फैमिली के लिए कामयाबी का फरमाए। नेक्स्ट वीडियो तक हमारे साथ दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।